सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। साथियों, अभी तक जो है हमारे देश के अंदर जो हमारी जो जनता है, जनता के साथ जात और भेद के नाम पे तो इंसाफ होता ही था, लेकिन जब देश के जो जवान जो हमारे लिए रात के अंधेरे में जागते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं, उनके साथ भी ना इंसाफी हो रही है। आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस तरीके से खाना दिया जाता है, जो सरहद पे खड़े हैं हमारे देश के जो जवान, उन लोगों को इस तरीके से खाना दिया जाता है कि इस तरीके से कि जो खाना जानवर भी नहीं खाते, वो हमारे देश के जवानों को दिया जा रहा है खाना। मैं आपको दिखा रहा हूं एक वीडियो में, आप लोग खुद देख सकते हैं कि एक देश का नौजवान किस तरीके से वो बेचारा अपने दुखों को बयां कर रहा है कि हम लोगों को इस तरीके से सुविधा दी जाती है। जो अगर कैमरे के सामने खड़ा हूँ तो ये मेरी मजबूरी है। मैं जानता हूँ इससे मेरे बल की गरिमा को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन मजबूरी है। एक देश के जवान जो आत्महत्या करते जा रहे हैं, उसका कारण बताना जरूरी है देश को, नहीं तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हमारा खाना जानवर भी ना खाए ऐसा मिलता है, और एक ऑफिसर का आप 5 स्टार होटल में जाओगे वैसा खाना मिलेगा आपको। क्यों, कहां से आया ये पैसा इतना, क्यों नहीं मिलता हमें? क्या हम मतलब दिन भर मतलब देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं, 2 टाइम का अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं हमें? वो जवान मतलब बाहर निकल के कहता है कि सर हमें 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है ढंग का। साहब निकल के बोलते हैं, इसने बोला खाना खराब है, जवान ही खराब है, उसकी पुराने रिकॉर्ड उठा के दिखाने शुरू कर दिए। यहाँ पे एक छोटे मोटे मतलब मर्डर केस पे सीबीआई जांच बैठ जाती है, आज देश का एक जवान खड़ा होके बोल रहा है सर जांच करवाइए सीबीआई की, लेकिन नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही है? पिछले 3.5 साल से लिखित शिकायतें दर्ज करवा रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ सुधार नहीं। देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि आप किसके साथ हैं, अपने देश के वीर जवानों के साथ हैं कि इन भ्रष्टाचारियों के? देश की सेवा करते हैं दिन रात एक करके, उनके साथ ना इंसाफी की जा रही है। उसमें जो अफसर है उसको 5 स्टार होटल में खाना खिलाया जाता है, लेकिन जो उससे पद से जो अफसर से जो थोड़ा सा पद से नीचे है, जितने भी लोग जो सेना है, उन लोगों को इस तरीके से खाना दिया जाता है जो खाना कभी जानवर भी नहीं खाते। साथियों, अब आप लोग देखिए कि भारत की जो हमारे हमारे हिंदुस्तान सॉरी हमारे जो भारत की जो जवान है जो लोग, उन लोगों के साथ जब नाम इंसाफी हो रही है, तो जो आम जनता है उन लोगों के साथ क्या होता होगा, ये आप लोग को संपूर्ण रूप से पता होगा। और ये जो गोदी जो ये मीडिया है, अगर देश के प्रधानमंत्री जी अगर किसी के घर पे पहुंचते हैं, किसी विदेश के दौरे पे पहुंचते हैं, कहीं पे भी पहुंचते हैं, उनका बाकायदा तरीके से उनको फोटो लिया जाता है, वो फोटो खिंचवाने में इंटरेस्ट है। लेकिन एक देश का जवान, देश के जवानों के साथ इस तरीके से घोर अपराध किया जा रहा है, तो देश की ये जो मीडिया है वो संपूर्ण रूप से उस चीज को दिखा नहीं रही है। पाकिस्तान के अंदर कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी हमला नहीं हुआ, मीडिया वालों ने क्या बताया कि चुनाव का माहौल चल रहा है। आप लोगों को सभी लोगों को पता है चुनाव का माहौल चल रहा है, तो मीडिया वालों ने क्या दिखाया कि 300 आदमी पाकिस्तान के मर गए। कैसे मर गए भैया, किस तरीके से मर गए वो लोग, पता रहना चाहिए ना उसका, बकायदा तरीके से उस तरीके से जो भी होना चाहिए उसका साबूत होना चाहिए ना। आज देश की जनता आप लोगों से मीडिया वालों से साबूत मांग रही है, साबूत आप लोगों का कहाँ है? और प्रधानमंत्री जी जो आप कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, आज देश के जवान के साथ इस तरीके से घोर अपराध किया जा रहा है, तो अदर जनता जो है 4.5 साल में तो हम लोग तो मर गए, पढ़े लिखे होकर हम लोग बेरोजगार बैठे। आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता कहाँ है आपका? मैं खुद फॉर्म भरा हूं, फॉर्म भरने के बाद भी 1 रुपए आया नहीं आपका, 15 लाख की तो बात छोड़िए, आपने जो 3,000 की बात किया था वो भी नहीं अभी आया हम लोगों का। किस तरीके से बात हो रही है, किस तरीके से ये हमारा देश उजागर हो रहा है, किस तरीके से ये अच्छे दिन आ रहे हैं? और तोने पे लोग क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया वो कोई नहीं किया, कांग्रेस ने 70 साल में नहीं कर पाया। सच बात है भाई, 70 साल के अंदर जितना 70 साल में देश के जवान नहीं शहीद हुए थे, उतना 5 साल में शहीद हो गए। 70 साल के अंदर संविधान को छेड़खानी नहीं की गई थी, संविधान की पर्चियों को नहीं डाला जलाया गया था, लेकिन आपके 5 साल के अंदर हो गया सब कुछ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा जो सरकार है, जो उनके अलावा और क्या किया कोई, 70 साल के अंदर एक इतिहास बना दिया आपने कि इतना ज्यादा विदेश के दौरे पे आप घूमे, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो नाम चेंज करने में इंटरेस्ट हैं। तो सभी साथियों से ये मैं कह देना चाहता हूं कि जब देश के जवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो हमारी जो भोली भाली ये जो जनता है उन लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, ये सभी लोगों को पता है। अब की बार
आप लोगों को चुनना है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आप लोगों को चाहिए, जो हमें बेरोजगार दे सके, जो हम लोग बेरोजगार है, हम लोग को रोजगार चाहिए। आज देश के जवान के साथ इस तरीके से घोर अपराध किया जा रहा है। जो भी चीज हो, मैं सरकार से ये मैं मांग करना चाहता हूं कि अगर ये देश का जो नौजवान जो इस तरीके से आके बोल रहा है, उस भाई को मेरा सलूट है कि वो भाई कम से कम इतनी तो बातें बोलने की कोशिश किया। इस मामले को बाकायदा तरीके से इसको CBI जांच लगाया जाए और देश के जवानों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। इसको मैं कड़े शब्दों में इसका मैं निंदा करता हूं। तो मैं मनीष कुमार डेंजरस शमान, इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। आप मेरे लिए मत शेयर कीजिएगा, वो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए आप मत लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन देश के उस नौजवान के लिए आप जरूर शेयर कीजिएगा इस मेरे वीडियो को, क्योंकि देश की बात है, देश के नौजवान की बात है। तो सभी साथियों को जय भीम।